प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है जिसे हम हमेशा इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बेहद ही खतरनाक होता है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकारें समय समय पर सख्त कानून बनाती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमें भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ता है। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है लंदन में, जहां पर एक पति पत्नी को अपने ही घर से निकलने के लिए भारी भरकम फाइन चुकाना पड़ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल लंदन के साउथ ईस्ट इलाके में जॉर्ज अपनी पत्नी वेरा डॉल्वर के साथ पिछले 32 साल से रह रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन के इस दंपत्ति का अपने ही घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जब भी पति पत्नी अपने घर से बाहर निकलते हैं, उन्हें 12 पाउंड यानी 1,248 रुपए का ULEZ फाइन देना पड़ता है। दरअसल जॉर्ज और वेरा का घर एथलाम में लो एमिशन जोन बॉर्डर पर है। इसका मतलब है कि जब भी वो अपनी पुरानी कारों से अपने घर के पास लगी ट्रैफिक लाइट को पार करते हैं, तो उन्हें कैश फाइन का भुगतान करना पड़ता है। बता दें कि लंदन में पिछले महीने ही ULEZ यानी अल्ट्रा लो एमिशन जोन को लेकर नियम बदले हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चलाने पर भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ता है। जब ULEZ को लेकर नियम बदले तो जॉर्ज का घर इसकी सीमा पर आ गया। इसकी वजह से जॉर्ज नई गाड़ी पर 40,000 पाउंड खर्च करने पर मजबूर हो गए, जबकि उनकी पत्नी वेरा ने अपनी पुरानी गाड़ियों को घर में कैद कर दिया है, जो ULEZ मानकों को पूरा नहीं करती हैं। इस मामले पर जॉर्ज का कहना है कि वो लंदन के इस कानून से बेहद ही नाराज है और नाखुश है, क्योंकि उन्होंने कई बार जुर्माना भरा है। जॉर्ज ने कहा है कि इसके लिए यहाँ का एक मंत्री सादिक खान जिम्मेदार है, जिसकी वजह से मैंने मोटर्स में लगभग 40,000 पाउंड्स खर्च किए हैं। साफ तौर पर जॉर्ज ने कहा कि ये सब पैसों के बारे में है। लोग अभी भी अपनी पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रदूषण तो रहेगा ही। मैं हजारों लोगों की तरह धुएं के बीच बड़ा हुआ हूँ। मैं 72 साल का हूँ और अभी भी एकदम फिट हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।